हाँ जी आ गया मैं वापस। तो यार आज मेरे यूनिवर्सिटी की प्रेजेंटेशन है और ये जो मैंने लगाया हुआ है ये एलर्जी के लिए लगाया हुआ है, कोई नेगेटिव नहीं लेना। टाइम जो है वो 8 बजे यूनिवर्सिटी लगनी है और 8:15 हो चुकी है और अभी तक हम रेडी नहीं हुए। ये देखे ये मैंने पेंट कोट निकाल लिया अपना। सुबह सुबह उठ के मैंने सुना है थोड़ी वर्जिश कर लेनी चाहिए। यार नमाज अदा कर लेते हैं, पहले कजा हो गई है, चलो कोई नहीं कजा कर लेते हैं। नमाज तो पढ़ ली, अब कपड़े चेंज कर लेते हैं। यार तैयार तो हो गया हूँ लेकिन लेट काफी ज्यादा हो गया हूँ, पहला लेक्चर छोड़ना पड़ेगा। यार मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ और बीच में ये मजों का सामना ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यार ये 9:01 जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा और तकरीबन 8 बजे क्लास थी। अब देखते हैं क्या बनता है। प्रेजेंटेशन की तैयारी भी नहीं की हुई मैंने वैसे। वाह इसकी लाइफ सही चल रहा, ना प्रेजेंटेशन ना क्विज ना असाइनमेंट, घूमता रहता यूनिवर्सिटी में वैसे ही बच्चियां ताड़ता रहता। बच्चियां बीच में आ गई थी। सॉरी सॉरी देख बच्चियां हंस रही है जरा। गुड 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 आ जाओ यार। प्रेजेंटेशन तो कोई नहीं हुई, खत्म हो गया प्रेजेंटेशन का टाइम। पहले ग्रुप ने सारा टाइम ले लिया, अब मेरे को ये ढोलक बजानी पड़ी है पैंट कोट पहन के। यार अभी हम इधर आए हुए हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर छत पे, ये इसे ऊपर जा नहीं पा रहे अभी तक। तो ये यूनिवर्सिटी सारी हमारी बस इतनी सी है और थोड़ी सी पीछे वो पार्किंग है और थोड़ी सी बैक पे है, वहाँ पे कपल्स बैठते हैं, वहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है। यार थोड़ी बहुत पिक्चर खिंचवाने के बाद आ गया मैं घर और क्या करता वहाँ पे, बच्ची तो है नहीं कोई। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यार ये बच्चा आया हुआ है अपने से बड़ी साइकिल लेके, किसकी साइकिल है यार ये? मेरी है। ये उसकी है। तुम ओए तुम अपनी साइकिल पकड़ो। ये टोपी क्यों पहनी हुई है इतनी? आज मौलवी बने हो? नमाज को नहीं पड़ी ये बीच में से कट कर दिया बेशरम आदमी।